ये देखिए कि हम एवेंजर बक्स से एमटी की सीपीयू का कोई भी मोबाइल हमने मुकम्मल फर्मवेयर करना है, यानी कि मुकम्मल प्रोग्राम करना है। तो मैंने डोंगल को सिस्टम में लगा दिया और एवेंजर बक्स को मैंने रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर चला दिया। फाइल पहले से मैंने डाउनलोड कर रखी है, देखिए डाउनलोड करके मैंने एक्सट्रैक्ट भी कर ली है। मेरे पास मोबाइल है फाज के क्यू मोबाइल S8, इसकी मैंने फाइल एक्सट्रैक्ट करके ये फर्मवेयर, आपने सिर्फ ये वाली फाइल सेलेक्ट करनी है एवेंजर बॉक्स में स्कैटर फाइल। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए मैं राइट फर्मवेयर पे क्लिक कर रहा हूँ और ओपन स्कैटर करके मैंने वही फाइल को ओपन कर ली। पहले मैं सेव फाइल फ्लैश कर चुका हूँ, फिर भी मेरा मोबाइल जो है वो क्यू पे स्टक हो रहा है, तो अभी मैं फुल फॉर्मेट करूँगा तो देखिए अभी क्या होता है। ये बस यही फाइल सेलेक्ट करनी है और बाकी ऑप्शन आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ फ्लैश फर्मवेयर पे आपने क्लिक करके सेट की बैटरी 50% चार्ज होनी चाहिए। इसके बाद आपने वॉल्यूम को प्रेस करके यहाँ क्लिक करना है और ओके करके केबल को लगा देना है। जैसे आप केबल लगाएंगे ये ड्राइवर उठा लेगा, ड्राइवर पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। अभी देखिए ये ड्राइवर उठा रहा है, ये देखिए सेट ड्राइवर भी उठा रहा है और प्रॉपर फ्लैश भी हो रहा है। मेरा सेट जो है मेरे पास S8 है, MT के CPU में क्यू मोबाइल है, ये इसका फ्लैश करने का यही तरीका है। अगर आपके पास MT की का कोई MT के मीडिया टेक CPU का कोई मोबाइल है, चाहे वो क्यू में है, लिनोवो में है, वो वीवो में है, उसकी आप स्कैटर फाइल डाउनलोड करेंगे तो इसी तरह आपने कोई मॉडल यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ फर्मवेयर राइट फर्मवेयर पे क्लिक करना है और स्कैटर फाइल को ओपन कर यहाँ से सिलेक्ट करना है और आपने सेव फॉर्मेट, सेव फ्लैश, फुल फ्लैश, फुल फॉर्मेट और फ्लैश पे क्लिक करके फ्लैश कर देना है। अगर आप सेव फ्लैश करेंगे तो आपका डाटा सेव रहेगा, अगर फुल फ्लैश करेंगे तो डाटा ख़त्म हो जाएगा, और फुल फॉर्मेट प्लस फ्लैश करेंगे तो आप IMEI भी ख़त्म हो जाएगा। पहले मैं उन दोनों जगह से कर चुका हूँ तो सेट प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा था। अभी मैंने देखिए फुल फॉर्मेट प्लस फ्लैश किया है ताकि मेरा मोबाइल क्यू पे स्टक ना हो, कि प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाए। बस यही तरीका है, ये आसान सा तरीका है। ये मुकम्मल जब ये जो पट्टी चल रही है ब्लू कलर की, ये मुकम्मल होगी और सेट रिबूट होके खुद ब खुद स्टार्ट होके ऑन हो जाएगा। भैया अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। मेरे चैनल में FRP के तमाम सोलूशन, IMEI के तमाम सोलूशन और मोबाइल के फर्मवेयर और डिवाइसेस की ट्यूटोरियल मौजूद हैं, आप देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।